छह महीनों से एक बहन का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही साथ छह महीनों से दर बदर ठोकरे खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से मासूम से भाई को ढूंढने के लिए। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है और सोशल मीडिया आपसे है, हमारे व्यूवर से, हमारी जनता से, हमारे लोगों से, और आप सब में इतनी ताकत है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे तो शायद इस बहन को उसका भाई मिल पाएगा, शायद इस पिता को उसका बेटा मिल पाएगा। छह महीनों से ये लोग जम्मू में दर बदर ऐसी तरह ठोकरे खा रहे हैं ताकि इनका भाई इनको मिल जाए। पूरी कहानी क्या है, कब गुम हुआ, कैसा दिखने में लगता है, वो पूरी इस खबर में आपको बताऊंगा। लेकिन प्लीज, अगर आप भी एक बहन है या फिर आप भी एक पिता है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चा जहां पर भी हो कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो बच्चा अपने घर तक पहुंच सके। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया देवी है। तो देखिए प्रिया, इसी तरह पिछले छह महीने से रो रही है। फेस्टिवल सीजन था, दिवाली भी थी, भैया दूज भी थी, और ये अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई आए। और ये पिता देखिए, इस उम्र में भी अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है। विशाल जी, फोटो भी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बच्ची के आंसू देखिए। इसीलिए इस खबर को शुरू होने से पहले मैं आपको तभी बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप भी एक बहन है या फिर आप पिता हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि हर घर तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, और जहां पर भी वो बिट्टू है वहां तक ये खबर पहुंचे ताकि बिट्टू आज अपनी बहन और अपने पिता के पास हो। बच्चे, कब गुम हुआ था बिट्टू? ये सर 10 मई को लापता हुए थे, कोई दोपहर के कोई 2:30 बजे के करीब। पौने से बच्चे? ये हम रुके थे यहाँ पे चांद नगर गुरुद्वारे में, उनका इलाज करवाने के लिए आया था। सुपर लिस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा थोड़ी दवाई खिला लो, उसके बाद देखते हैं इनको कि कैसा रहा इनका तबीयत करते हैं। हाँ, उम्र क्या थी इनकी? उम्र थी 24 से 25 साल। 24 से 25 साल के थे। ऐसे आप बता रहे हो कि मेंटली थोड़ी स्टेटस उनका नहीं अच्छा था। हाँ जी, दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं थे। वो पहचानता था भाई बहन ये सबको? उसको पता था? सबको पहचानते थे, वो हमारे बिना तो 2 मिनट भी नहीं रह पाते थे। वो हर टाइम अगर कहीं मैं बाहर चले जाती तो रोने लग जाते थे पीछे से। हर एक मम्मा पापा, हर एक बंदा, मतलब जितने भी घर के मेंबर थे सब उसके पास होने चाहिए। बट आज पता नहीं किस हालात में, कहाँ होगा, किस कंडीशन में होगा। आज से लगभग 6 महीने पहले वो गुरुद्वारा में आप कह रहे थे, वहां से कैसे पता चला कि वो लापता हो गया? खुद ही कहीं चले गए या फिर रास्ते में कहीं गुम हुआ? हम कमरे में रुके हुए थे, गुरुद्वारे में रुके हुए थे, मैं भी थोड़ी बीमार थी उस टाइम पे। मैंने दवाई खाई दिन में तो मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मम्मा ने उसको कमीज धो के दी, नहलाया उसको, और वो भी दिन में सो गया था, वो भी सोया हुआ था। सब जने सोए हुए थे दिन में दोपहर के टाइम पे 2:30 बजे के करीब, और 2:45 पे वो आगे भागा और 2:52 पे फादर साहब नंगे पांव भागे, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला अभी तक। मतलब भागा क्यों? मतलब कोई बात हुई थी, नाराज हो गया किसी बात से, क्यों भागने लगा वो? उसको थोड़ी दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं थी, उसने मेडिसिन उसको रिएक्ट किया। हाँ जी, वो चलता रहता था ऐसे, पापा ऐसे जाने नहीं देते थे उसको, बट वो उस दिन ऐसा ही था कुछ कि वो चले गया, पता ही नहीं चला। पापा नंगे पांव भागे उधर, सबको पता है इधर मच्छी मार्केट में, कहने लगे हमें पता ही नहीं है। फिर हमने सीसीटीवी कैमरे खुलवाए, 5वें दिन सीसीटीवी कैमरे खुले, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो भाग रहा था, तो 2:45 पे वो आगे भागा, 2:52 से फादर साहब नंगे पांव भागे, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस दिन जब वो भागा उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिली? उसके बाद कुछ भी पता नहीं, कोई क्ल्यू नहीं मिला कहीं से, कोई ऐसा सुराग नहीं मिला ताकि आपको लगे कि हाँ वो जम्मू में आया, जम्मू से बाहर है? कुछ भी नहीं। हमने अपने से बहुत कोशिश की है, डीजीपी सर के पास, डीसी सर के पास, एसएसपी सर के पास पहुंचे। यहाँ पे जम्मू में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ नहीं गए हम लोग। हर एक गर्मी हमने झेली, गर्मियों में हम चलते रहते थे आगे पीछे कि कहीं कोई तो सुराग मिले भाई के बारे में, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला हमें। आप 6 महीने से इसी तरह जम्मू डोडा ऐसे ही, मतलब जम्मू कभी आते हो कभी ढूंढते हो, ऐसे ही कर रहे हो 6 महीने से? हम तो 1.5 महीना तो हमने जम्मू में इनको ढूंढा, लेकिन उसके बाद फिर हम घर चले गए, फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। 6 महीने तो ये बेड के ऊपर ही सोए रहे, उसके बाद इनको लीवर में भी सोजस हो गई। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहने लगे इनको दवाई खिलाओ, टाइम टाइम पे इनको खाना चाहिए। उसके बाद फादर साहब कहने लगे कि चलो एक बार फिर से मीडिया में दे देते हैं, हो सकता है कहीं कोई तो क्लू मिले। हम फिर इसके बाद आज ही आए हम यहाँ पे जम्मू में, तब से हम आस लगा। भैया दूज था, दिवाली थी, मिस किया? बहुत ज्यादा मिस किया सर उनको, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सर तुंदा के नाम? मेरा नाम जगदीश है जी। जी, 6 महीने पहले गुआचे? हाँ 6 महीने, मतलब 10 मई गुआचे था।
छह महीने रही है चक्कर लगाई जा रहे हो? मतलब हाँ चक्कर लगा दे, मतलब डेढ़ डेढ़ महीना पहले टोपी आए थे लेकिन कोई पता नहीं चलिया जनाब। इतना दुख है जी कि जवान बच्चा तुंदे सामने सामने गया और बाद कोई सुराग नहीं, तो ये नहीं पता कि जम्मू है या जम्मू तो बाहर है? ढूंढने की कोशिश की थी हाँ कोशिश की थी ढूंढने की पुलिस ने भी कोशिश की। जितने भी ये खबर लोग देख रहे हैं, ये बहन बच्ची रो रही है और ये पिता है, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया यानी कि आप सबका सहारा ले रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सच में बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन होंगी, जैसे ये पिता है वैसे हम भी पिता है, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड है, हमें भी दुख हो रहा है इस चीज का। लेकिन पिछले छह महीने से ये अपने भाई को ढूंढ रहे हैं और 24 से 25 साल उम्र बताई? हाँ जी। बिट्टू नाम है उसका? जी। कॉन्टेक्ट नंबर बच्चे बता दो। 6005038398 6005038398 एक ही नंबर है बच्चे? हाँ जी ये हमारा एक ही नंबर है। नंबर को हम लोग कैप्शन में भी रखेंगे, आप प्लीज नोट कर लीजिए इसे और कहीं पर भी ये तस्वीर आप अपने मोबाइल में जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए, कहीं पर भी इस तरह से मिलता जुलता हो आपको कोई बच्चा लावारिस मिले, कहीं घूम रहा हो, कुछ हो, आप प्लीज पुलिस को कंसर्न, पुलिस को जरूर कॉन्टेक्ट करें, हमारे चैनल पे हमें कॉन्टेक्ट करें, हम जरूर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। और उसके कुछ कह रहे थे आप बताइए? अब पता नहीं किस हालत में होगा, जिस वक्त गया था तो ऐसा फोटो आज नहीं होगा जैसा फोटो उस वक्त का है, लेकिन आज पता नहीं नंगा होगा कैसा होगा, दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी और उसको बाल होंगे क्या, दाढ़ी होगी कैसा होगा। चलिए अब ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अगर आप इतनी मेहनत से यहाँ पर उसको फिर से एक उम्मीद लेकर आए आप कि आपका बच्चा मिलेगा। जी उम्मीद ही लेकर आए हैं, हमाम से यही अपील करना चाहता मैं कि कहीं भी ये बच्चा नजर आता था या पुलिस के हवाले कर दें, ये या जो नंबर दिया उससे कनेक्ट करें। बच्चे आप मिस कर रहे हैं उसको? बहुत ज्यादा सर, वैसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने उनको मिस नहीं किया होगा। ये देखिए बच्ची रो रही है, अब यकीन रखें ऊपर वाले पे और ऊपर वाले के बाद कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया की ताकत को समझ सकता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है किसी का वॉलेट गुम हो गया, किसी के घर का बच्चा गुम हो गया, किसी के घर का कोई भी सदस्य गुम हो गया, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। उसके बाद बड़ी खुशी के साथ हम लोग उन परिवार वालों के साथ जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फिर से ये खबर करूं, फिर से इस बहन के पास आऊं, फिर से इसके पिता के पास आऊं और जब इनका बिट्टू नाम बताया आपने, बिट्टू मिल जाए और हम फिर से खुशी खुशी खबर करें। प्लीज जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई ये खबर देख रहे हैं, आप इसे जरूर फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसे फॉरवर्ड करें ताकि हर घर तक, हर मोबाइल तक ये खबर पहुंचे और बिट्टू भी घर पहुंचे। एक बार फिर से विशाल जी मुझे आप ये दें मोबाइल, ये मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये इस बच्चे की ये देखिए फोटो है, बड़ा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है ये, और मैं आपको बता दूं कि ये 6 महीने पुरानी पिक्चर है। अब मैं भी इसकी दाढ़ी हो या किस हालात में हो वो तो हम नहीं आपको बता सकते, लेकिन आप इस बच्चे की जो फोटो है ऐसे ध्यान से देखिए, इससे मिलता जुलता आपको कहीं पर भी कोई बच्चा मिले तो प्लीज आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। और याद रखें कि ये एक बहन है, ये एक पिता है, हमारे घर में भी पिता है, हमारे घर में भी बहनें हैं, तो जैसे ये आज यहाँ पर दरबदर ठोकरे खा रही है 6 महीने से, और इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन्होंने बिट्टू को याद नहीं किया। हाँ जी सर, कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने उनको मिस नहीं किया, यही थी रक्षाबंधन था उस दिन भी मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, और टीका था उस दिन भी मैंने मिस किया कि कहीं से न्यूज आनी चाहिए, बट ऐसा कोई दिन नहीं। चलिए आप चिंता ना करें, जरूर बिट्टू मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, और सोशल मीडिया से पहले ऊपर वाले से हम भी प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से इंटरवीन करें, और SSP जम्मू से भी कहेंगे कि आप इस केस को पर्सनली हैंडल करें, और जिस प्रकार से उन्होंने कंप्लेंट्स कराई और कंसर्निंग जो भी पुलिस स्टेशन है वो ज्यादा एक्टिव हों, अपनी टीम का गठन करें और उसके बाद उस बिट्टू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। तो चलिए बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी मिल जाएगा, तो आप भी हौसला रखें कि जरूर मिलेगा, डेफिनेटली आप सब लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें JK Topic News के साथ, मैं हूं गुप्ता, कैमरामैन विशाल के साथ, धन्यवाद।